शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, ग्यारहवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। मैं आप दोनों से अंतिम बार कह रहा हूँ, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। इस पीड़ा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तुझ पर? नरक में यमदेव भी इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी हम देते हैं। ठीक है यमदेव, हम ध्यान योग द्वारा अपनी आत्मा को देह से अलग करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। बस, वो स्त्री है, इसके कारण वो अभी तक जीवित है। यदि उसने मारुति का पता नहीं बताया तो उसे मरना होगा, और हम स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। स्वामी, बाली जो कहता है वो करता है। अब यदि शबरी ने बाली को सत्य नहीं बताया तो वो उसका अंत कर देगा। देवी, शबरी धर्म के पथ पर चल रही है। ऊपर उपकार के उद्देश्य से सारी पीड़ाएं सह रही है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं होता, और जिन्हें मृत्यु से भय नहीं होता, मृत्यु उनसे भयभीत होती है। सत्य कहा स्वामी, और फिर जिसके घट में आप बसे हो उसका तो अहित हो ही नहीं सकता। देखिए प्रभु, आपकी भक्त शबरी इतने कष्ट में होकर भी अंतर मन से आप ही का नाम जप रही है। श्री राम, श्री राम, जय जय राम। देवी, शबरी हमारी अनन्य भक्त है, वो ये सब मारुति के लिए कर रही है, और उनके गुरु का भी यही आदेश है। एक शिष्य के लिए गुरु के आदेश से बढ़कर कुछ नहीं होता। किंतु स्वामी, क्या मारुति को उनकी कष्टों का, उनकी दशा का ज्ञान है? हाँ देवी, मारुति को सब ज्ञात है। वो भी एक महान उद्देश्य के कारण इतने कष्ट सह रहे हैं। उन्होंने तो देह त्यागने का निश्चय भी कर लिया है। देखिए, वे समाधि लगाकर बैठ गए हैं।
यदि मारुति ने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनकी सारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, तब क्या वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे? हाँ देवराज, देवताओं की दी हुई शक्तियों के बल पर मारुति किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम थी, परंतु शक्तिहीन होकर पृथ्वी लोक और यमलोक की विषमताओं का कैसे सामना कर पाएंगे वो? हम भी इसी चिंता में हैं देवो, किंतु हनुमान देह के साथ यमलोक नहीं पहुंच सकता है। करने की अनुमति दे। आइए हनुमान, यमलोक में आपका स्वागत है। क्यों दूत, क्या समाचार लाए हो किष्किंधा से? मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, मेरी जिह्वा मेरा साथ नहीं दे रही है। संदेश जो भी हो निसंकोच कहो। महाराज केसरी को महाराज बाली का सादर प्रणाम। हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे यहां एक अप्रिय घटना घट गई है। कल रात्रि से मारुति कहीं लुप्त हो गया है। किंतु आप चिंता ना करें, हमने एक स्त्री को पकड़ लिया है, उसे मारुति के बारे में ज्ञात है। उसी ने मारुति को कहीं भेजा है। हम कैसे भी करके सच जान लेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने प्राणों पर खेलकर मारुति को वापस अवश्य लाएंगे। वही हुआ ना जिसका मुझे प्रारंभ से भय था। अरे मारुति पर संकट पहले भी आया करते थे, किंतु हम सब मिलकर उसकी रक्षा कर लिया करते थे। कुंजल जी शांत हो जाइए, मारुति जहां भी होगा कुशल से होगा। हमारे पास रहते हुए भी मारुति पे अनेकों संकट आए, किंतु उन संकटों का सामना मारुति ने स्वयं ही किया है। किंतु ये चिंता का विषय तो है ही महाबली काका, मारुति ने कितनी भी वीरता से संकटों का सामना किया हो, किंतु वो है तो बच्चा ही ना। यही तो हम भी कह रहे हैं पुत्र। पता नहीं पुत्र मारुति कहाँ होगा और वो स्त्री है कौन। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है कि इन सभी बातों को हमें अंजना को बताना चाहिए या नहीं। अंजना का स्वास्थ्य तो पहले से ही ठीक नहीं है जामन जी, और कहीं उसे इस बात का पता चल गया तो हमें भय है कि इसकी हालत और बिगड़ ना चाहे। अब अंजना के पास और अधिक बिगड़ने के लिए रही क्या गया है। अब परिणाम चाहे जो भी हो उसे उसे ज्ञात होना ही चाहिए। प्रभु को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे ले जा सकता है।
चुकी है, उन्हीं का दंड मिल रहा है तुम्हें। तुमने औरों को दुख दिए होंगे, इसीलिए तुम सबको यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। रुक जाओ बालक, तुम हम यमदूतों से बचकर जाना चाहते हो, किंतु मैं इस द्वार का रक्षक हूं, मेरी अनुमति के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। मुझे पितृलोक जाना है। अवश्य ही तुम कोई बुरी आत्मा हो, अपने कर्मों के दंड से बचना चाहते हो। अभी तुम्हारे पाप देखता हूं। मुझे नील कमल के दर्शन हुए, जिसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक पाप ही नहीं किया। तुम्हें कोई दंड ही नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं आगे जा सकता हूं? अभी नहीं, तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न ही तुम्हारे मन की शुद्धता की परख करेंगे। स्वर्ग कहां है? माता पिता के चरणों में ही। मनुष्य का जीवन कब अर्थहीन हो जाता है? जब उस मनुष्य को संसार में कोई भी प्रेम ना करे। इस संसार में कौन सुखी है? एक बच्चा या फिर वो मनुष्य जिसका कोई शत्रु नहीं है। बालक, तुम मन और आत्मा से पूर्णतः पवित्र हो, अतः तुम आगे जा सकते हो। मारुति मेरे लाल, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, चलो अब तुम सो जाओ। हाँ चलो। चलो अब सो भी जाओ। क्या? अच्छा, बहुत दिन से लोरी नहीं सुनी तुमने। ठीक है, आज मैं तुम्हें लोरी गाकर ही सुलाती हूँ। घड़ी घड़ी
क्या कहे इस माँ से जो अपने पुत्र के भ्रम में सिंहासन को लोरी गा के सुना रही है। ए धरती तू हट क्यों नहीं गई माँ की पीड़ा से। ए आकाश तू बरस क्यों नहीं पड़ा माँ की पीड़ा को देखकर। क्यों नहीं अपने आंसुओं से संसार को डुबो देता। अब और सहा नहीं जाता। केसरी हिम्मत रखो पुत्र। जामन जी देखिए आप एक काम कीजिए, इसी समय किष्किंधा चले जाइए। पुत्र केसरी को तो भेज नहीं सकते, यहाँ अंजना को भी संभालना होगा। आप जाकर मारुति को ढूंढिए। जाइए जामन जी। ठीक है, मैं अभी किष्किंधा के लिए निकल जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि प्रभु ही कोई लीला रच रहे हैं, जिसका किष्किंधा में किसी को कुछ पता नहीं है। अन्यथा प्रभु को ऐसे कोई नहीं ले जा सकता। मालिन, हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं। मारुति का पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। बोल मारुति कहाँ है। महाराज, ये जीवन तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे समाप्त होना ही है। किंतु किसी महान उद्देश्य के लिए ये जीवन समाप्त हो तो मृत्यु सार्थक हो जाती है। बातें तो तू बिल्कुल तपस्विनी जैसी करती है और आचरण तेरा राक्षसों जैसा है। मारुति का अपहरण करके तू कौन से महान उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है। इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। तू क्या समझती है कि मैं मारुति को ढूंढ नहीं पाऊंगा। इस धरती आकाश पाताल सबको एक कर दूंगा, इस पूरे संसार को खंगाल डालूंगा और मारुति को लेकर आऊंगा। किंतु तू ये याद रख, तेरी मृत्यु निश्चित है। कुंद्रा, कल पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि इस दुष्ट स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया जाए। कल नगर के चौराहे पर इस स्त्री को पत्थर से मार मार कर मार दिया जाए। महाराज बाली और किष्किंधा के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। इसके लिए इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।